चलो आज मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। मम्मी देखो रोने की हो रही। क्या हो गया? अरे रोने वाली थोड़ी कुछ बात है, खाओ आराम से घर, हम तो आराम से चले जाएंगे रास्ते में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो आज की शुरुआत हो रही है, अभी 12 बज चुके हैं और सब रेडी हो चुके हैं घर में, क्योंकि सारे के सारे मम्मी पापा को छोड़कर जा रहे हैं मेरे साथ मुंबई। चाहे सोनाली हो, प्रिंस हो, प्रियांशु हो, सब हम जा रहे हैं और वाईफाई भी हमारे साथ जा रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन चल रहा है अभी घर में पूरा। डाल दिया व्लॉग, चैनल भी नहीं बना अभी तो, देख के चैनल तो है। अरे एक लड़का आया, वो भेज रहा बस जो क्लिप सिंगानिया फैमिली के नाम से। ये देखो गाइस, सोनाली रेडी हो गई है। ओहो, मेकअप चल रहा है? क्या है? फाउंडेशन। फाउंडेशन? फाउंडेशन लगाते तो भाई इसे पैक कर दो। सोनाली के हम सब तैयार हो चुके हैं, मैं भी नहा धोके रेडी हो गया हूँ, क्योंकि अभी हमें निकलना है गुड़गांव के लिए और मुंबई के लिए। मुझे शायद मैं आज ही मुंबई के लिए निकल जाऊंगा बाय रोड। यार नए कपड़ों में कितनी बेर लगती है ना, रेडी शेडी होके जुट्टो 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 रोते ड्रामे पास ताकि प्यार करें से। मसी राम राम, कैसा लग रहा है आपको? हम जा रहे हैं, खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। हाँ, तुम्हारे पास चले ही जाते थे वरना। अब आ जाना फ्लाइट से, आना सीधा मौसम में ना, आसमान देखते हुए बादलों के ऊपर। गाड़ी की हालत देख लो कितनी गंदी हो रही है यार। चलो कोई नहीं, अब तो वहीं जाके धुलेंगे मुंबई। सामान देखते हैं ऐसे डिक्की में पहले। अब दिल किसने बना दिया था? अम्ब्रेला बहुत काम आएगा हमारे। देखते हम आ जाएंगे मिलने आपसे। बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, सामान अंदर रखते हैं और सबसे पहले तो गुड़गांव जा रहे हैं। गुड़गांव जाके देखते हैं कि क्या क्या कहता है। कल की नहीं, सुबह की फ्लाइट करनी पड़ेगी अर्ली मॉर्निंग की, क्योंकि कल सामान भी पहुँच जाएगा और 11-12 बजे तक जल्दी पहुँच जाएगा आई थिंक। तो वहाँ पर प्रिंस को देख रहा हूँ। प्रिंस, सोनाली, प्रियांशु और युष्रा को मैं फ्लाइट से भेजूँगा और वाईफाई को मैं लेके कार से आ जाऊँगा, एक फ्रेंड है उनके साथ। सारा सामान लग दिया है, डिक्की पूरी फुल हो गई है। सारा आ गया ना सामान? आ गया सारा। पापा गए? पापा आए नहीं? पापा पापा फोन कर दे, पापा तो वो चले गए थे मिल के। प्रियांशु और सोनाली घुमा देंगे हम वहाँ पे, मेरे फोन में आएगा। और हमें ध्यान रखना अपना, यहाँ पे घर पे अकेले हो ऐसे तो हम दिवाली से पहले ही जाएंगे। हाँ चलो ठीक है मम्मी, बाय बाय बाय, ठीक है बाय, नमस्ते, राम 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 राम, बाय। चलो आओ, चलो आज मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। चलो क्या बात है? मम्मी देखो रोने की हो रही। मैं क्या हो गया? अरे रोने वाली थोड़ी कुछ बात है, दो मिनट गाड़ी साइड में। भाई मम्मी रोने लग गई। मम्मी रो रही है, हमें क्यों रुला रहे तुम? मम्मी का दुखी हो रहा ना थोड़ा सा, के वहाँ इतनी दूर जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं। भाई चुप हो जाओ मम्मी, अभी तो कह रहे रोने वाली कोई बात नहीं। अरे चलो मैं आप करूँगा ना, जैसे यहाँ से आते हैं वैसे आ जाऊंगा। भाई मम्मी सैड हो रही है यार काफी। खुशी खुशी भेजो भाई लोग ना। छोटा हो गया तुम? चली गई क्या? चलो मम्मी आराम से खाना खुना खाओ आराम से घर, हम तो आराम से चले जाएंगे रास्ते में। आ जाऊंगा मैं दिवाली पे, ठीक है? दिवाली पे आऊंगा, लेके जाऊंगा, ठीक है भाई? चलो चुप हो जाओ। ऐसे हमें भी रोना आ जाता है, हमारी आंखों में भी पानी आने लगा। मौसी भी इमोशनल हो गई है। बाबू
ये तो कोई छोड़ जा रहा हूं मैं मम्मी चलो चलो सही हो के भेजो मैं ठीक है केशराम ध्यान रखना चलो बाय ठीक है ध्यान से बाय बाय सारे आ गए ना गिनती है ना वो इसलिए इस वाले को आना नहीं चाहिए था अभी तो पैदल की यात्रा से निकले वो भाई रास्ता देखो कितना मस्त लग रहा है आगे से ये हम दूसरे रास्ते से आए हैं फोटो वीडियोस भी काफी कैडी क्लिक हो गई यहां से हम मिलेंगे जब हम सर लेंगे यार अब देहरादून से आएंगे हम देहरादून घूमते हुए आएंगे हां देखना कितना बढ़िया रास्ता लग रहा है सो गाइस अभी हम यहां पे खा रहे हैं खाना हम घर से पैक करा के लाए थे प्रियांशु में सर्व करके दे रहा है तुम्हारा और मेरा है नमकीन चावल क्या प्लेट है भैया कैसी प्लेट है आपकी नहीं प्लेट कितने की है भैया छोले चावल की कह रहा नमकीन चावल नमकीन नमकीन का आप भी नशे बैठे भी हैं तो गाइस ये देख लो पीछे खाना चल रहा है यार ये आगे आ गया अभी पहले ये खा लेंगे फिर हम खा लेंगे ये तो प्रिंस भाई तू ही खिलाएगा अपने हाथ से ठीक है भाई खिला देंगे तो भाई कहीं रोक के खा लेना ना 2 मिनट को दिन रात तुझे मैं देखा करूं आंखों मेरठ में हम तो दिल्ली आने वाला दिन रात तेरी नजर में नई सी तो गाइस अभी हम रास्ते में रुके हैं खाना खाने के लिए इन्होंने खा लिया था मैं खा रहा हूँ और यार ने पोटी कर रही है तो इस पोटी साफ कर रही है यार की वहाँ पर वो वाईफाई को घुमा रहा है और कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला है मैंने प्रियांशु को सुना को देखो भाई इसकी हालत एक घंटे हुआ में चले इसकी हालत देखो कैसे रखी बैक कैमरे से बना धूप में तो लोग वहाँ गोरे दिखे और तो दिख रही ब्लैक फाइनली हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली में और दिल्ली में अब यहाँ से पहुँचने में लगेगा 1 घंटा 16 मिनट बाकी सब पूरे मस्त से हैं यार ये यार भाई देखो जल्दी देखो आप यार फैन बुला रहे आप ज्यादा ना लाइक यार को करने लगे हम लोग कमेंट्स में भी यार भाई नहीं मेरे पड़ेगा यार भाई आ गए हम गुड़गांव आ गए आज भाई पूरे रास्ते पापा 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 करते हैं ये पापा और दादा मिक्स हाँ पापा दादा मिक्स कर गए यार ये भाई आ गए अपने गुड़गांव आखिरी बार अपना ही गुड़गांव है भाई ये पूरा अपना मैं अगर छोड़ भी देंगे फिर भी है तो वही है ना बातचीत तो हमेशा ही रहेगी कोई भी दिक्कत हो चाहे रात को आ जाओ यहाँ से जाम तो हर जगह मिलेगा तुझे तो देख सोनाली क्या बदतमीजी है सोनाली पकड़ी मिनट तो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं हम गुड़गांव अपने राहुल के पीजी यहाँ पर ये राहुल का पीजी और यहीं पर रहता था मैं पहले पहले यहीं तो रहता था मैं जब पॉलिसी बाजार में आया था सबसे पहले यहीं आया था वो वीडियो बना रखी थी वो घर तो बोलता कौन सा वो गेट सा था एक छोटा सा गेट बहुत पहले वीडियो बना तो इसी के अंदर तो है रूम का फोटो है वो रूम की वीडियो है वो तो गाइस अभी ना हम फ्लैट पे आ चुके हैं और ये फ्लैट जो है हमारे मेरे एक फ्रेंड का है तो वो बाहर गया हुआ था तो उसने बोला कि तुम मैंने उससे बात की थी राहुल का ही भाई है रघु भाई है हमारे उनका ये फ्लैट है तो यहाँ पर कोई फिलहाल है नहीं तो उन्होंने बोला था कि तुम हमारे फ्लैट पर रुक जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अभी हम उनके फ्लैट पर आए हुए और ये देखो यहाँ पर हमारा जो बेड था ना एक एक्स्ट्रा वो भी हमने यहीं पर रखवाया हुआ है फिलहाल और ये रहा भाई प्रिंस यहाँ पर ये प्रिंस प्रांस सो जाएंगे यहाँ पर ये यश्रा है और यहाँ पर तो सही है टीवी वगैरह सब सिस्टम कर रखा है यहाँ से बालकनी है वहाँ तक है पूरी बाहर तक इससे बड़ा रूम तो ये तो रूम बहुत बड़ा है इसमें देख तूने ये भी बेड आ गया गद्दा एक्स्ट्रा आ गया ये तो काफी बड़ा रूम है ये तो काफी बड़ा रूम है तो गाइस ये देखो ये फ्लैट मतलब ये फ्लैट की बालकनी सही लगी कितनी तगड़ी बालकनी है ना मतलब ये पूरी है यहाँ से वहाँ तक और ये पूरी एक ही साथ कंबाइंड हुई है और ये बालकनी में बैठ के आराम से वो वाला टाइम याद आ गया मुझे तो
पहले वाला जब मैं स्टार्टिंग में था, मैं यहाँ पे गुड़गांव में, वो वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर भी 11वीं के कार्टून स्टार्ट हो गए और देखो कैसे देख रही है। कितने वहाँ से दिखेगा, ऊपर बेड पे जाना पड़ेगा आपको। अरे बेटा यहाँ से नहीं दिखेगा, यहाँ से सही दिखेगा आपको। मम्मी कहाँ है आपकी? यार ये कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस अभी डिसाइड हो गया है, अभी हम चार बंदे तो फ्लाइट, मतलब चार बंदे तो फ्लाइट से जाएंगे और चार बंदे ही हम जा रहे हैं जो कार से जाएंगे, जिसमें तीन ड्राइवर रहेंगे तो हम चेंज करते रहेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कहीं ना रुके, छोटे 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 ब्रेक लेते रहें, बट ऐसा कोई लंबा गया अपने लिए। इसलिए अभी हम रात को निकलेंगे 12:30 या 1 बजे मैक्सिमम, और हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे में पहुंच जाए या उससे पहले छोटे छोटे ब्रेक लेकर। और इसके पीछे भी छत है, ये देखो सही सिस्टम दे रखा है यार ये। राहुल की स्माइल देखी आपने? तो वैसे अभी प्रिंस प्रियांशु और इन सब की फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है। अब इन भाई तुम्हें सुबह निकलना, 8 बजे की फ्लाइट है तो तुम्हें निकलना पड़ेगा 5 बजे। 5 बजे? हाँ 5 बजे, 5 बजे निकलना पड़ेगा तुम सबको। मतलब 5 बजे थोड़े, 6 बजे ही तो भाई। 5 बजे निकलोगे तो सही रहेगा, जल्दी पहुँच जाओगे सही है। अगर मिस होगी फ्लाइट फिर कौन सी मिस तार हुई है क्या? ना ना इंडिगो ही है। राम 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 राम। देखो ईश्वर भाग भाग के आई। क्या हो गया तुम्हें? भाग भाग के इसके चक्कर में गेम हो रही है। सोनाली का फोन आया था मम्मी के पास, अब बेचैन हो गई है इसको ना, नींद आ रही। बुला ले एक बार। हां जैसे हम कल वहां पे गए तो हम वहां पे जैसे चले गए तो फ्लैट तो बिल्कुल खाली होएगा ना, तो हम बैठेंगे कैसे कहां पे? तो वो सामान आएगा, सामान रखवा लेना, गद्दा गद्दा पहले रखवा लेना। गद्दा एकदम सर किस टाइम आएगा सामान? दो सामान आएगा 12 बजे। तो फिर दो और हम पहुंच जाएंगे वहां 10:30। हां तो तुम नीचे बैठ जाना ना, वहां से जो जगह है नीचे का। ये देखो जो पहले कल आप लोग सुबह पहुंचे, गाड़ी रात रात पहुंच जाएगी ना। हाँ ठीक है, सुबह सुबह क्या करना मतलब 11-12 बजे तक पहुंचोगे, जो मेन होगा सामान को ऊपर पहुंचाना, जैसे कि बिस्तर वगैरह हो जाए। ये वाला फ्लैट देख कर ना मुझे उस वाले फ्लैट की याद आ रही है जिसमें हम सबसे पहली बार आए थे, जब मैं शादी के बाद यहाँ पर गुड़गांव में आया था ना, तो हमारा 1BHK फ्लैट था। इस फ्लैट को देख कर थोड़ी थोड़ी उसकी याद नहीं आ रही है? तो गाइस इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई नो कि ये ब्लॉग थोड़ा शायद हो सकता है कि ये ब्लॉग छोटा बनाओ, बट उसका रीज़न ये है कि अभी हम मुझे निकलना है और मैं ये ब्लॉग एडिट करके कल पूरे ऑन टाइम डालना चाहता हूँ, ताकि कोई भी ब्लॉग मिस ना हो, क्योंकि मैं ट्रैवल करूँगा और ट्रैवल करते हुए नेटवर्क बहुत इशू रहता है और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी तो मेरे पास टाइम है 1.5 घंटा, तो मैं एडिट करके ब्लॉग अपलोड भी कर सकता हूँ। बाकी यूषा कल पूरी जिम्मेदारी यूषा के ऊपर रहेगी सबकी, तुम सबसे बड़ी हो इनमें तो तुम्हें सबको संभालना है, ठीक है? तुम हो भाई, ये भी है प्रिंस प्रियांशु भी है, सब हेल्प करेंगे तुम्हारी, लेकिन तुम्हें पूरा वहाँ पर जाकर थोड़ा सा तुम्हें परेशानी तो होगी। सामान किस टाइम तक आ जाएगा? रेडी कर दो भाई, 12 बजे होना स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम्हें काम करना और पैसे ज्यादा नहीं देने इस बार। नहीं हम मीटर देख के देंगे। और अंदर जाना, हमें एंट्री तो कैसे मिलेगी वहाँ पे सोसाइटी? मैं तुम्हें एक नंबर भेज दूंगा, उनको कॉल कर देना कि भैया हम आ गए और की चाबी तो है तुम्हारे पास। हाँ। सीधा फ्लैट में चले जाना तुम। सो गाइस मेरी हालत मत जाना, क्योंकि मैं ट्रैवल करके आई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी रही हूँ यार रोई के साथ, और मुझे बहुत तेज इस टाइम नींद भी आ रही है। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, एंड आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उसको लाइक करो, कमेंट करो और 1 मिलियन करा दो हमारे बहुत जल्दी। सो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं प्रियांशु ज़्यादा दिखेंगे प्रिंस की सोनाली ब्यू की इस वीडियो में। ठीक है मिलते हैं कल, बाय, लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, राम राम।